वॉइस रिंग जा रहे हैं और आपके लिए बेहतरीन वीडियो शूट कर रहे हैं, तो लाइक्स को हिट करें और कमेंट्स करें कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। टीना ये अच्छा है, मैं मानता हूँ, लेकिन हम स्केट नहीं कर पा रहे हैं। जेलीफिश जैसा फील हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, प्रॉमिस। तेरी मजा आ गया। अब तुम्हारी बारी। क्या वो? ओह नेट, तुम ठीक हो? टीना चलो से बाहर निकालें। नेट तुम ठीक तो हो ना? लगता है हमारा नेट सच में बीमार है। टहले मुझे डर लग रहा है। क्या सच में तुमने इस पर यकीन किया? बेवकूफ, हमें ऐसे डरा रहा है तू? हाँ जो भी हो, अब से मैं सीरियसली बीमार हूँ और मैं चल नहीं रहा। नौटंकी बंद करो, जल्दी उठो। तुमने ये कैसी नौटंकी शुरू कर दी है? हाँ सारी लड़कियाँ मुझे पैसे के लिए प्यार करती हैं। मैं उससे चाहता हूँ जो मुझसे प्यार करे। फिर व्हील चेयर पे क्यों बैठा है? मैं एक विकलांग के रूप में प्यार पाना चाहता हूँ और मैं कहूँगा टाटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेवकूफ, इस बारे में मजाक मत करो। टाइलर कम ऑन यार, मेरा सपोर्ट करे यार। पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा। कम ऑन टाइलर, वैलेंटाइन डे आ रहा है, तुम्हारे पास डेट है और मेरे पास नहीं है। ठीक है ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा, पर ज्यादा मत करियो। शुक्रिया यार। ये लो मेरा फोन, मिसेस क्रिस्टी के लिए फोटो खींचो और उसे दिखाना होगा। पीछे हटो, नेट की टी-शर्ट तुम्हें नहीं मिलेगी। किसने कहा कि तुम इसे छीन सकती हो? नेट मेरा क्रश है, मतलब ये टी-शर्ट मेरी है। तुम अजीब हो, नेट तुम्हारा कभी नहीं होगा। ओह ये फट गई। अब हर किसी को नेट का एक टुकड़ा मिल गया है। लड़कियों मुझे तुमसे कुछ कहना है। आप ठीक हो? आप कभी इतनी बीमार नहीं दिखी। पहले बैठ जाओ। लड़कियों हमारे स्कूल में एक दुर्घटना हो गई है। मिस्टर नेट, क्या वो करोड़पति नहीं रहा? नहीं नहीं, वो उतने ही अमीर हैं जितने पहले थे, लेकिन अब वो चल नहीं सकते हैं। उनके पैरों ने जवाब दे दिया है, वो व्हील चेयर पर आ चुके हैं। क्या क्यूट नेट अब व्हील चेयर पर है? खैर किसे परवाह है, पैसा तो अभी भी है ना। रुको, सच में उसके बीमारी हमारी फीलिंग्स नहीं बदलेगी। कैसी फीलिंग्स? यहाँ आओ जल्दी। हे भगवान, यकीन ही नहीं होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई और बात हो, मुझे डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। टाइलर क्या तुम थोड़ा जेंटल हो सकते हो? तू बहुत भारी है समझा? यार मैं तो थक गया। हेलो क्या चल रहा है यहाँ? हमने आपसे अपॉइंटमेंट लिया था। अच्छा ठीक है, थोड़ा और करीब आओ। अबे क्या कर रहा है? तुझे पैदल नहीं चलना चाहिए समझा, वरना हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा। मुझे स्कूल के लिए सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं चल नहीं सकता। लेकिन पहले हमें चेक करना होगा कि तुम सच में चल नहीं सकते। कुछ फील हुआ? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अजीब बात है, चलो फिर से ट्राई करते हैं। भाई तूने डॉक्टर को बेहोश कर दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, उसने मेरे घुटने पर मारा और मेरे नस में लग गई। अबे यहाँ से निकलते हैं जल्दी, मैं सर्टिफिकेट के बिना नहीं जाऊंगा। नेट ये कानून के खिलाफ है, रुक जा। बस मैंने सब समझ लिया, मुझे बस ये सर्टिफिकेट चाहिए था, हो गया। चलो अब भागते हैं। अभी क्या हुआ? हम अपॉइंटमेंट के लिए आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता आप कैसे बेहोश हो गई और गिर गई। हो सकता है ज्यादा काम कर लिया, कुछ याद ही नहीं आ रहा। ठीक है हम जा रहे हैं, हम बाद में आते हैं, बाय। फिर तुम इधर आए ही क्यों थे? क्या नौटंकी है ये, किसने सोचा था कोई विकलांग इंसान सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा, भयानक। बड़ी मुश्किल से चढ़ पाया। पीछे हटो, नेट के करीब भी मत जाना, कोशिश भी मत करना, दफा हो जाओ। हे लड़कियों, नेट क्या
क्या तुम सचमुच व्हीलचेयर पे हो? हाँ, अब तो यही हालत है। नेट, घबराओ मत, जरूरी बात है कि तुम अमीर हो। सच है, पर मेरा पैसा मुझे मेरे पैरों पर खड़ा नहीं कर सकता। नेट, फिर क्या? मेरे दोस्त करेंगे, तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे ना? बिल्कुल भी नहीं, हम हरदम तुम्हारे साथ हैं। और तुम अमीर भी तो हो, हम तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। शुक्रिया बेबी, मुझे अब जाना चाहिए, तो yes. मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। पीछे हटो, तुमने उसे ऐसे क्यों कहा? नेट मेरा क्रश है। पीछे हटो, छोड़ो इसे, छोड़ो। किति, अरे अंदर आओ ना। मिसेस क्रिस्टी, सुना है अपने स्कूल में एक लड़का व्हीलचेयर पर है? हाँ, हमारा लड़का नेट व्हीलचेयर पर है। ओह, बढ़िया है, मतलब कम अच्छा ज्यादा बुरा। वैसे मैं उसके जैसे बच्चों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया था। ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, नेट इसे लाया था, शायद ये तुम्हारे कुछ काम आए। बढ़िया है, चलो हम लोग पेपर वर्क को खत्म कर लेते हैं, मैं खुद उसकी हेल्प करूंगी। शुक्रिया किटी, मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। नेट, तू मुझे इन समय क्यों घसीट रहा है? मेरा स्केड्यूल पहले से ही बहुत ज्यादा टाइट है। टीना के लिए गिफ्ट जो लेना, क्योंकि उसको सरप्राइज पसंद है। रिलैक्स यार, मुझे बस यहाँ एलिस से मिलना है। अबे तेरी तो, तूने मुझे इसके लिए बुलाया है, साला हरामी। हे नेट, तो क्या हम फिल्म देखेंगे? हाँ जरूर। क्या ये लड़का भी साथ में आ रहा है? तुम्हारा दोस्त, इसका नाम क्या है? ओ, ये टायलर है ना? टायलर। क्या हम चले? मुझे घुमाओ। व्हीलचेयर खराब हो जाएगी, जल्दी उठ जाओ। तुम कह रहे हो मैं मोटी हूँ? सच में? एलिस नेट बीमार है। ओप्स, सॉरी। ठीक है, जा रही हूँ, सिनेमा में मिलते हैं, ठीक है? हाँ जरूर, मिलता हूँ। ये सच में पागलपन है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। टाइलर मचाओ, मुझे फिल्म तक लिफ्ट तो दो। मेरे पास फालतू काम के लिए टाइम नहीं है, पता है ना, टीना के लिए गिफ्ट लेने जाना मुझे। ये लो पैसे, अगर तुम यही रुकोगे तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, माल माल कर दूंगा। ओ वाह, इतने सारे पैसे। चलो, टीना के लिए अच्छे गिफ्ट का इंतजाम हो गया। ठीक है, मैं तुझे फिल्म दिखाने लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं गिफ्ट ढूंढने जाऊंगा, डील? तो क्या हम चले? हाँ ठीक है, ठीक है। नेट, तुम किधर हो? व्हीलचेयर में, बहुत मुश्किल होती है। जल्दी करो, मूवी शुरू हो गई है और तुम मिस कर रहे हो। सॉरी एलिस, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे क्या करना होगा? काउच पर मेरी मदद करो, मैं आराम से फिल्म देखना चाहता हूँ। सीरियसली, इसमें मेरे लिए क्या है? मैं परेशान हो रही हूँ। हद है एलिस, हम कैश से पॉपकॉर्न लेना भूल गए हैं, क्या तुम ला सकती हो? ये क्या मजाक है, पहले नहीं सोच सकते थे? ये तुम्हारा पॉपकॉर्न। उम्मीद है अब तुम मुझे शांति से रहने दोगे। थैंक्स डियर। है, और ड्रिंक्स, हमें उसकी भी जरूरत है, जाती हूँ, पूरे 2 घंटे की फिल्म है। बस मेरा हो गया, अब बस हुआ, मैं जा रही हूँ। अरे यार, व्हीलचेयर दूर है। ठीक है, सॉरी, बाय। उस पे वापस लौटना होगा। लड़कियों, क्या ये ठीक हो गया? नेट के करीब भी मत जाना, कोशिश भी मत करना। वो लड़की डायन, अच्छा वो चली गई, लगता है एलिस को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं तेरी चक्को वाली कुर्सी चलाने के लिए तैयार नहीं हो रहा अपने पास ही। टाइलर मुझे मत छोड़ो, एलिस ने मुझे छोड़ दिया, बेचारा दे नहीं है नेट। यार तो कमाल का एक्टर है। क्या मुझे वैलेंटाइन डे से पहले गर्लफ्रेंड मिलेगी? तुम्हें क्या लगता है टाइलर? व्हीलचेयर पर रहकर तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। हेलो, हाय, व्हीलचेयर पर एक लड़का है नेट, उसकी तलाश है। कौन है नेट? शायद मैं। अरे नहीं, ये रहा वो। हाय नेट, कैसे हो? और तुम कौन हो? तुम्हें स्कूल में तो नहीं देखा? मैं एक वॉलंटियर हूँ, अच्छे लोगों की मदद करती हूँ, या फिर वो लोग जो खुद चल नहीं सकते उनकी मदद करती हूँ मैं। ओह, तो अब से तुम नेट की मदद करोगी यार, ठीक है मैं जा रहा हूँ अब। हे टाइलर, रुको, बदमाश, तुमने मेरा साथ देने का वादा किया था। नेट, हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना होगा, ये लो ये फॉर्म भरो ताकि मुझे पता चले तुम्हें क्या पसंद है। एक और फॉर्म, मुझे नफरत है इनसे। हो गया? लगता है तुम्हें कोई कॉल कर रहा है। नहीं, बजने दो फोन को। लगता है कोई तुमसे सच में बात करना चाहता है, इसे उठा लो। हेलो,
मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं काम पर हूँ, मुझे परेशान मत करो। पेरेंट्स बुला रहे हैं? नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मेरे हर कदम पर ये बिल्कुल चील जैसी नजर रखता है। उससे थोड़ा सा छुटकारा मिले इसीलिए तो मैं वॉलंटियर बनी हूँ। तो अब मैं फ्री हूँ, मेरे पास करने के लिए और भी बहुत काम है। बिल्कुल नहीं, अभी तो मुझे तुम्हें लेकर जाना है हॉट चॉकलेट कैफे। लेकिन मुझे हॉट चॉकलेट पसंद नहीं है। कुछ भी बकवास मत बोलो, हॉट चॉकलेट मूड अच्छा करती है। हे टीना, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वाह टायलर, क्या लाए हो? वो तुम्हारे वैलेंटाइन डे का गिफ्ट है। वाह, एक नया आईफोन। शुक्रिया, लेकिन तुम्हें पैसे कहाँ से मिले इसके लिए? वो असल में मैंने खुद कमाए थे। बढ़िया, शुक्रिया। रुको, वैलेंटाइन डे आने में तो अभी एक हफ्ता है। तो क्या मुझसे रहा नहीं जा रहा था तो मैंने तुम्हें पहले दे दिया? नहीं टायलर, क्या बकवास है। हा? क्या तुम वैलेंटाइन सेलिब्रेशन बर्बाद करना चाहते हो? हा? अब तुम मुझे गिफ्ट दे ही चुके हो तो 14 तारीख को क्या करेंगे? ओह कम ऑन, शांत हो जा बेबी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें अगले हफ्ते ये फोन दे दूंगा। नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता है। मैं अभी इस फोन को ले रही हूँ और तुम मुझे कुछ और नया दोगे, डील? ठीक है फिर। अरे यार, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? आ गए हम लोग यहाँ पर। किटी सीरियसली, तुम मुझे 20 मिनट से सड़कों पर घुमा रही हो, क्या तुम थकी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सब ठीक है, बिल्कुल आराम से। तुम मुझे इग्नोर करके यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही हो। जैक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखने आया हूँ कि मुझे छोड़कर किसके साथ रासलीला रचा रही हो। देख लिया ना, अब चले जाओ यहाँ से। नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम मुझे ये बताओ कि इस अपाहिज में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? क्या तुम पागल हो? ऐसे कैसे कह सकते हो? यार मैं खड़ा नहीं हो सकता, मुझे ऐसे ही रहना होगा। अगर हो सकता तो तुम्हें पीट देता। ठीक है, चल करो। नेट, आई एम सॉरी, मैं इसे सुलझा लूंगी। किटी, मुझे बताओ कि ये क्या बकवास चल रही है? बकवास तो तुम हो, हमेशा मुझ पर ऐसे शक करते रहते हो। ये आखिरी बार है, समझे? दोबारा तुमने ऐसा किया तो मैं सब खत्म कर दूंगी। किटी ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा, अपना ध्यान रखना। नेट, अगर कुछ हो तो मुझे कभी भी कॉल करना। इसको तुम्हें भला क्यों कॉल करना होगा? नेट, तुम कमाल हो। कपड़े की दुकान पे डेट, स्मार्ट मूव। असल में ये जगह तुमने चुनी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम जरा रुको, मैं थोड़ी ड्रेसेस ले लेती हूँ। शानदार डेट हुई, शुक्रिया केसी, आखिर मुझे लड़की मिल गई। तो मुझे चाहिए ये, ये, ये और ये सारे सब ले रही हूँ। केसी बस बंद करो, तुम क्या कर रही हो? मुझे ये सब कहाँ ले जाना चाहिए, मैं इसे नहीं पकड़ सकती। लेकिन मैं डिलीवरी करने वाला नहीं हूँ। नेट, इसे उछाल क्यों रहे हो? ये गंदे हो जाएंगे, बाद में तुम उन्हें कैसे खरीदोगे? अब मुझे तुम्हारे लिए इन्हें खरीदना भी होगा। हाँ तो तुमने मुझे यहाँ डेट पे बुलाया, तुम्हें लगा तुम पैसे खर्च नहीं करोगे? पैसे दो। किसी, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मैंने सोचा तो तुम मेरे साथ हो क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो। बेशक मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे पैसे भी चाहिए। केसी, अभी क्या हुआ? ये घबराहट में हुआ है, तुमने मुझे अचानक से इतना गुस्सा दिला दिया कि मैं खड़ा हो गया। मेरी वजह से तुम्हें गुस्सा आया? हाँ ठीक है। अब मैं पक्का तुमसे नहीं मिलूंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों हुई है? क्योंकि अगर मैं इन चीजों का बिल तुम्हारे कार्ड से दूं तो तुम खुश नहीं होंगे। रुको, अभी बताता हूँ। कितनी बकवास है, एलिस से भी बदतर है। मैं इसे डेट नहीं करना चाहता, मुझे कार्ड ब्लॉक करना होगा। यार मैं टीना के लिए क्या करूं, आईफोन ही एक अच्छा गिफ्ट था उसके लिए। बकवास व्हीलचेयर, इसे किसने बनाया? ओह हाँ, मैं देख रहा हूँ तो पहले से किसी और सवारी पे है, तो केसी के साथ डेट कैसे रही तेरी? भयानक, जानती हूँ मैं उसे दोबारा नहीं मिलना चाहता, वो बस मेरे पैसों के पीछे है। नेट तुम यहाँ हो, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तू जल्दी व्हीलचेयर पे बैठ। अंदर आओ। नेट, मैंने तुम्हारे लिए एक नई थेरेपी तैयार करी है, ड्राइंग के बारे में क्या ख्याल है? मैं फिर से कबाब में हड्डी तो मैं जा रहा हूँ। बाय किटी, शायद हम किसी और टाइम ड्राइंग कर सकते हैं। Mm-mm.
नेट क्या पेंट कर रहे हो तुम? वो परफेक्ट लड़की जिसे मैं ढूंढना चाहता हूँ। अरे वाह, क्या मैं देख सकती हूँ? नेट, क्या ये सच में तुम्हारे सपनों की लड़की है? हाँ, ये वही है जिसे मैं ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। तो फिर ऐसा विश करो कि तुम उसे ढूंढो उसकी बजाय वो तुम्हें ढूंढ ले। मैंने की है। ओह, एरियल का फोन। हेलो नेट, सुना है तुम उदास हो, मेरे घर आना चाहोगे? बिल्कुल, मैं तुम्हें पिक कर सकती हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अपनी शानदार व्हील चेयर पर बैठकर इंतजार करो, ठीक है? वाह, क्या चल रहा है? ठीक है, बाद में मिलते हैं। सच में क्या तुम्हें लड़की मिल गई है? एरियल, हेलो। नेट, सब ठीक है? तुमने इतना टाइम लगा दिया, आई होप कुछ हुआ ना हो। बस वो मेरी व्हील चेयर टूट गई। ध्यान रखा करो अपना। तुम बहुत काइंड हो। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? क्या हम अकेले रहेंगे? नहीं, मेरी माँ मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती थी। बॉयफ्रेंड? क्या मैं पहले ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम्हें अभी सपोर्ट चाहिए और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ओह, ये मेरी माँ है। मेरी बेटी का मंगेतर कहाँ है? हेलो, इससे मिलो, ये नेट है। ये क्या, ये किस चीज पे बैठा हुआ है? माँ, ये विकलांग लोगों की व्हील चेयर है। एरियल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने सोचा तुम किसी लायक इंसान से मिलवाओगी, और तुम? और आपकी राय में व्हील चेयर पर बैठे लोग क्या लायक नहीं होते? नेट, माँ मजाक कर रही है, तुम एक मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। एरियल, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या तुम्हारा दिमाग छुट्टी पर है, जैसे मालदीव्स पर किसी यॉट पर? माँ, तुम व्हील चेयर वाला लड़का कैसे हमारे घर पर ला सकती हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं उसके साथ डेटिंग शुरू करना चाहती हूँ। और क्या हमेशा के लिए उसकी काम वाली बन जाओगी, हर सप्ताह स्की रिजॉर्ट जाने के बजाय? मॉम, बंद करो ये सब, मुझे नेट की जरूरत नहीं है, वो अमीर है और मैं टिकटॉक पर मशहूर हो सकती हूँ। कैसा टिकटॉक? उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अगर मैं उसे डेट करूंगी तो सब देखेंगे मैं कितनी शानदार हूँ और मुझे फॉलो करेंगे। अच्छा, ये हुई कोई बात। इसका मतलब जब तुम्हारे 500,000 फॉलोवर्स हो जाएंगे तो तुम उसे छोड़ दोगी? सीरियसली, क्या बकवास है, एक और गोल्ड डिगर, मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने क्या सोचा था, ये लड़कियां मुझे नहीं चाहती, व्हील चेयर पर किसी भी बैठे इंसान के साथ रहने की इच्छा है, लेकिन तब जब उसकी जेब में पैसा हो, ये घिनौने लोग। शायद मुझे अब ये एक्सपेरिमेंट बंद कर देना चाहिए। क्या भाई, मेरे साथ फुटबॉल खेलेगा क्या? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अबे क्या तेरे को मालूम है किटी कहाँ पर है? कुछ पता नहीं, उसने कहा अगर उसे कोई नई थेरेपी मिलेगी तो वो मुझे कॉल करेगी। बड़ी थेरेपी कर रही है, जाके उसकी थेरेपी करूंगा तब समझेगी। और बेटा उससे जरा दूर रहना, वरना तेरी थेरेपी मैं करूंगा आके। हाँ हाँ, समझ गया। क्या, अबे तेरी इतनी हिम्मत हो गई मुझे लात मारेगा? ये मैं नहीं था, मुझे पैर महसूस नहीं होते, तुम्हें पता है ना? अरे बात तो तेरी सही है, तो क्या मच्छर था क्या? हाँ शायद, अब भागो यहाँ से, जाओ। अबे तेरी इतनी हिम्मत हो गई, अबे अपाहिज साले मुझे मारेगा, अबे तेरी। ज़ैक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है? किटी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड धमकी दे रहा है। तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ? मुझसे गुस्सा है। बेचारे नेट को परेशान क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, अपने ईगो के लिए कमजोर लोगों को सता रहे हो तुम। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कभी देखना नहीं चाहती। तेरे को बाद में देखूंगा। क्यूटी, मुझे लगता है कि तुम्हें अब यहाँ नहीं आना चाहिए। नेट, तुम जाने दो ज़ैक को, उसे तो इग्नोर करो। अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हारी मालिश करूँ। मैंने पढ़ा है कि ऐसी कंडीशन में पैरों की मालिश करो ना तो वो बहुत अच्छा होता है। क्यूटी, तुम बहुत काइंड हो, मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। टाइलर, वैलेंटाइन डे पर मुझे गिफ्ट देने का आइडिया मेरे पास है। अच्छा, तो क्या है वो? टाइसन, कूल है ना? टाइलर, हाय। टाइलर, ये कौन है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ? वो एक वॉलंटियर है, वो नेट की मदद करती है। हाँ, और नेट की बात चली है तो मैं सोच रही थी क्यों ना उसके लिए एक पार्टी करे। उसे पार्टियों की कोई जरूरत नहीं है। वो बहुत उदास है और मैं बस उसे खुश करना चाहती हूँ। तुम आओगे?
हाँ जरूर हम आएंगे। और किटी पार्टी के खर्चों की चिंता मत करना, मैं सब कर लूंगा, ठीक है? रुको, क्या तुम अमीर हो या तुम्हारी लॉटरी लग गई है? तुम उस धोखेबाज नेट की पार्टी पर पैसे खर्च करना चाहते हो? इससे अच्छा तो मेरे लिए कोई गिफ्ट ले आओ। ओह कम ऑन बेब, वो मेरा भाई है और किटी अच्छा काम कर रही है, वो उसकी मदद कर रही है। हाँ तुम सही हो, बेचारी लड़की वो सच में बदलाव लाना चाहती है। हाँ तो नेट को ये बात मत बताना, हो सकता है उसे बुरा लग जाए। सचमुच में तुम लोग कमाल हो जो नेट को पार्टी दे रहे हो, नेट को हमारे सपोर्ट की जरूरत है। ये हम नहीं, वॉलंटियर किटी ने किया है। क्या बात है, कितनी अच्छी लड़की है, कितनी अच्छी बात है ये। किटी क्या चल रहा है, मुझे कहाँ ले जा रही हो? तुम आओ तो खुद देख लेना। आखिर ये क्या है? सरप्राइज। कैसा सरप्राइज, ये क्या हो रहा है? ये पार्टी तुम्हारे लिए है, सरप्राइज। सरप्राइज। वाह, क्या ओकेजन है? ऐसे ही हम सब तुम्हें सपोर्ट करना चाहते हैं और ये मेरी तरफ से है। चलो देखते हैं। वाह, ये गेम की टिकट है, तुम्हें ये कहाँ से मिले? इन्हें ढूंढना नामुमकिन है। मेरे चाचा ऑर्गेनाइजर हैं। किटी हमें बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आई। अब चलो सब नाचते हैं। बढ़िया। वो। वो। ये। वो। वो। और अब करेंगे एक्सप्लोर डांस। मैं जाऊँ लेकिन उससे पहले अप्स। मुझे डांस करना पसंद है। किटी क्या तुम मेरे काम करते थकती नहीं हो? नहीं, मुझे मदद करने में खुशी हुई। देखो नेट को किटी के साथ डांस कर रहा है, इस स्टोरी को मैं पोस्ट कर रही हूँ, हर किसी को देखना चाहिए। किटी नेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बुरी बात यह है कि वो सबको धोखा दे रहा है, जब उसको पता चलेगा तो वो बिल्कुल खुश नहीं होगी। किटी वहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है और मैं यहाँ पर बॉस की गाली खा रहा, और ये बकवास कंप्यूटर इसकी। ओ, उसे सबक सिखाने का इससे अच्छा आइडिया और कोई होगा नहीं, अब तुझे पता चलेगा किटी। नेट तुम्हें ठंड लग रही है क्या? हाँ थोड़ी सी है तो सही। अच्छा एक सेकेंड रुकना, ये देखो मैं अपने साथ एक कंबल लेकर आई हूँ, इसे तुम ओढ़ लो, ठीक है? तुम्हें बॉडी में हीट मिलेगी। वाह, तुमने इसके बारे में भी सोचा ना? और अगर तुम्हें भूख लगे तो मुझे बता देना, ओके? मैं अपने साथ एक बर्गर लेकर आई हूँ। किसी ने भी मेरा इस तरह ख्याल नहीं रखा। ओ, लगता है व्हीलचेयर फंस गई है, शायद झटके की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे? शायद पहिया फंसा होगा, चलो साइड से धक्का देते हैं, ओके? लगभग लड़खड़ा गई। नेट ये क्या था, व्हीलचेयर को धक्का देने पहुंची लेकिन तुम्हारी गोद में आ बैठी। लगता है अभी अभी हमने चूमा है। हाँ अभी तुम्हें देखता हूँ, धोखेबाज कहीं की। नेट सेट ने सब देख लिया, भागो। व्हीलचेयर चल नहीं रही है, काम हो गया। क्या कर रहे हो बेवकूफ? ये तुम दोनों क्या कर रहे थे, तुम्हें भी व्हीलचेयर पर बैठना है क्या? सीरियसली आज सुबह ही तुम्हें मैंने टेक्स्ट किया था, सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। ऐसे खत्म नहीं होगा, इसके तो हाथ भी तोड़ने पड़ेंगे। नेट का पीछा छोड़ो, वो अच्छा लड़का है और तुम पागल हो, अब मेरे पीछे मत आना कभी नहीं। किटी लड़कियों उस पर वापस लौटना होगा। टीना की आईजी स्टोरी से पता चला वो वॉलंटियर लड़की के साथ कुछ करने वाला है। चल जल्द ही छुप जाओ, वो यहाँ आता ही होगा। इस व्हीलचेयर को इतनी तेज कभी नहीं चलाया, और ये एक आसान सवारी है, तुम पागलों की तरह इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो। हे नेट, हमें मिस किया? केसी तुम क्यों आई? धप्पा, उम्मीद नहीं थी ना? तुम क्या चाहते हो? तुमने हमें डेट पर बुलाया और गिफ्ट सिर्फ केसी को मिला है। लड़कियों तुम मेरे एक पैसे के लायक नहीं हो। लड़कियों हमने स्टोर पे जो प्लान बनाया था उसे एग्जीक्यूट करो तुरंत। क्या? ओ डरपोक लड़कियों, एक विकलांग से पैसे छीनोगी? कम ऑन,
तुम्हारे पेरेंट्स अमीर हैं, तुम कंगाल नहीं होगे। ठीक है चुड़ैलो, अब तुम तैयार हो जाओ। लड़कियों क्या ये ठीक हो गया? मुझे लग रहा है हम अब मुसीबत में हैं। क्या भयानक सपना है, हमारी दुनिया में आखिर ऐसी भयानक लड़कियां कर क्या रही हैं? और किटी जैसी बहुत कम है, मुझे अपनी हिम्मत उसके सामने रखनी होगी। नेट, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ, वो मेरे पास भी तुम्हें बताने के लिए कुछ है। पहले मुझे बताने दो। क्या है? इसे देखो, ये एक व्हील चेयर है, मोटराइज्ड, वो भी फाउंडेशन को बताया और उन्होंने तुम्हारे लिए एक बना दिया है। वाह, ये सच हो गया? हाँ, मुझे इसे लेने जाना पड़ेगा, लेकिन बस दो दिन में आ जाऊंगी मैं। किटी, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जिसकी मुझे तुम्हें सफाई देनी है। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे जैसा ईमानदार दयालु आदमी कभी नहीं मिला। ईमानदार? तो तुम्हारा सीक्रेट क्या था? मुझे फर्क नहीं पड़ता, देखो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। नेट, मेरी बस एक घंटे में, मुझे जाना चाहिए। ठीक है, हम परसों मिलेंगे। और मैं उससे कुछ और बोलना चाहता था। ओए, तेरी वॉलंटियर कहाँ पे है? तो अब कोई धोखेबाजी नहीं, और तुमने किटी को भी बता दिया है ना? हाँ, वो समझ गई और कुछ बोली भी नहीं। किटी इस पार्टी में क्यों नहीं आई? उसकी तबीयत खराब है और वो घर पर ही है। ठीक है, चलो बर्फ से खेलते हैं। लगता है मुझे भी घर पर ही रहना चाहिए था। तो लोग स्केट करो, मैं कैफे में जाके चिल मारता हूँ, मेरा मन बदल गया है। टाइलर, नेट, कम ऑन, ये इतना भी डरावना नहीं है। नेट, तुम अच्छा कर रहे हो। मैं सब जान चुकी हूँ, तुमने मुझसे झूठ बोला। हा? किटी रुको, तुम्हें किसने बताया? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जब मैं तुम्हारे लिए व्हीलचेयर लेकर आई तो तुम डेट और आइस स्केटिंग कर रहे थे वहाँ पर। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, मुझे बातें क्लियर तो करने दो। नहीं, मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे लड़के हो बाकियों की तरह नहीं, लेकिन तुम भी। मैं असली हूँ, मैं ऐसी लड़की की तलाश में था जिसे मेरी दौलत की परवाह ना हो। तो तुमने बीमार होने का नाटक किया, वो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ, तुम पागल हो क्या? और मैं क्या कर सकता था, कोई भी मुझे मेरे लिए पसंद नहीं करता। बेवकूफ हो तुम, मैंने तो नेट से प्यार किया, असली वाले नेट से, लेकिन तुमने तो मुझसे झूठ बोला है, और क्या छुपा रहे मुझसे? मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि ये सब ज्यादा हो रहा है, मैंने कबूल करने का सोचा भी था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आखिरकार मुझे एक लड़की मिली गई जो मेरे साथ रहेगी चाहे कुछ भी हो। मैं तुम पर यकीन नहीं करती। सीरियसली, तुम जाना चाहती हो? क्या तुम जाना चाहती हो? नेट, मुझे माफ करना। आओ आओ महारथी, किटी ने भी तुम्हें छोड़ दिया ना, सच में टांग तोड़वा लो। दूर हटो बेवकूफ, बहुत गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें, मन में एक ही बात चल रही होगी कि उसे बता किसने दिया। मैंने बताया उसे। मैंने तेरी वीडियो निकाली और किटी को भेज दिया, तेरा पर्दा फाश हो गया। तो तुम थे जिसने उसे बताया? हाँ, मैं नहीं, किटी से मैं बहुत पहले से प्यार करता हूँ और तू साले बीच में आ रहा था। नेट, क्या हम पहाड़ों की तरफ निकल सकते हैं? तो तुम इसके साथ हो? क्या तुमने ब्रेकअप नहीं किया? नहीं, मैं नेट से प्यार करती हूँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी निकलो, हमारी फ्लाइट मिस हो सकती है। और वैलेंटाइन डे को पहाड़ों पर नहीं बल्कि अपने कैंपस में मनाएं। टाइलर, क्या तुम पहाड़ों में मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो? वेल, मैंने सोचा कि ट्रिप ही सरप्राइज है, नहीं? ओह अच्छा, तो कोई और सरप्राइज नहीं है? ठीक है फिर, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। टीना, लगता है जैसे सिर्फ हम लोग ही छुट्टी पे जा रहे हैं। ये और भी बेहतर है। Thank you.
बाय। पीछे हटो। तुमने उसे ऐसे क्यों कहा? छोड़ो इसे, छोड़ो। नेट मेरा क्रश है। पहले व्हीलचेयर को धक्का मारना था, फिर झटके से बैठना था, भूल गई? लगभग लड़खड़ा गई। अपनी लाइन भूल गई। लगता है जैसे हमने चूमा। नहीं, ये तुम थे। हाँ, ये तुम पर है। कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत। व्हीलचेयर हिल नहीं रही। उप्स, समझ गया। हो गया कबाड़ा। अरे यार, हंस क्यों रहे हो? अब दूसरा टेक होगा। और दूसरे के लिए तैयार? प्रोफेशनल नहीं, फिर से करते हैं। अरे चलो चलो, टेक ले लो। वाह, क्या प्लास्टिक की खुशबू है।